10 बजे और दोपहर को 3 बजे, फॉर श्योर ये मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्की बात है ये। कुणाल भाई कहाँ से कहाँ, एक सेकेंड लेट मी ट्राई। कुणाल भाई अगर आ जाए तो वो एंगेज रहते हैं यार बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं यार कुणाल भाई आते हैं, बिल्कुल आते बोलो हैं बोलो भाई, आपको क्या बोले यार, मतलब आपको टीवी पे जो साफ भाई मजा आ गया, हेलो। भारी सीरियस हो रहा भाई। आपका हाँ नेटवर्क भाई गड़बड़ अभी दिखाई दे रहा है, बराबर है, बोलो। बराबर दिखाई दे भाई, क्या चल रहा है थोड़ा सा आप रनिंग हो बताइए। रहा बट मैन ये इन दी शोज आई वोंट रन, यू गो फॉर रन। हाँ तो बीइंग ऑफिशियल इनसाइडर ऑफ केकेआर भाई, अब आप बताइए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ नहीं गुरु, अभी तो हम लोग पूरी टीम नेट प्रैक्टिस कर रही है, हम लोग इधर बीकेसी में है, नेट और प्रैक्टिस चल रही है। ये देखो तुमको पैड से आपकी, दिखाता हूँ, बस हाँ प्लीज प्लीज भाई, बस इतना ही दिखा टास्क फोर्स सकता रिलेटेड के कुणाल भाई की वीडियो से सब कुछ देखने को था, मिल मैं बस जाएगा इतना यार। ही दिखा सकता था और नहीं दिखा सकता। नॉट अलाउड भाई, आप 10 बजे के अलावा और 3 बजे के अलावा भी आप आते हैं टीवी पे भाई सच्ची बोलूं मुझे भी नहीं पता मेरा शो टाइम क्या है, भाई, हम सुबह बता रहे हैं ना दस आपको, बजे क्योंकि आता हूँ। आरजे नेहा ने बताया था और आपने हाँ 10 बजे के लिए बताया हुआ था, लेकिन आरजे नेहा का शो 11 से 2 के बीच में आता है, एंड शी सॉ यू समथिंग अराउंड हाँ 12 to 1 के आसपास उसने आपको देखा था, तो आप उस टाइम भी आप आ रहे हो। आप अच्छा बाकी टाइम तो हम लोग फिर नोट करते रहेंगे जरूर, ऐसा वीडियो बना के मैं टैग करूंगा भाई यार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ भाई आरजे वीजे कैसा है आपका, वीजे का काम? आप जो नाम ले रहे हो हमें पता ही, आप मन से नाम बिल्कुल नहीं ले रहे हो भाई। आरजे आरजे वीजे, ये भाई आपके वीजे लिए तुमने अपना विकास असली नाम बताया कि नहीं दुनिया को? भाई इंस्टाग्राम पे बस बदला है और कुछ नहीं है, बाकी आप विकास बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। दिल से तो बहुत कुछ निकल रहा है इस नाम के लिए, पर ठीक। वो भाई मैं इससे ज्यादा वॉनबी नाम इमेजिन नहीं कर सकता था विकास। कुणाल भाई हम बाय सॉरी बाय। सॉरी टू से दिस बट ओ यार नहीं नहीं कुणाल भाई ठीक है, कुछ और बात करते हैं आपके बारे और बताओ भाई रायपुर में कैसा चल रहा है तुम्हारा? में। ऑल गुड, रायपुर बस में 2 दिन हाँ बाद पलक मुच्छल का कॉन्सर्ट है अब इसके बाद से, भाई, जुबिन के तुम बाद तो से। छाए हुए हो हर जगह गुरु, मतलब नहीं कोई नहीं इतने नाम बड़े बड़े नाम होर्डिंग वोर्डिंग लगे हैं तुम्हारे और इतने गदर कहर मचा रहे हो तुम भाई हैं। कौन सी होटल, अरे होर्डिंग मतलब जहां पे भी जाते हो तो तुम्हारा एक वहां पे पोस्टर वोस्टर लगा रहता है ना, तुम्हारे अपडेट्स में देखता हूँ मैं। आप देखते हो, सही में देखते हो, क्या बात है कुणाल सलूजा सर। यार तुमको फॉलो तो करता ही हूं ना भाई, तुमको अनफॉलो थोड़ी कर दिया। भाई मैं सही में मैं थाल में ना अगरबत्ती सर, आप अजय देखो, मैं तुमको बहुत ही कमाल की बात बताऊं, प्लीज मेरे इस वक्त मैं दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरे इस वक्त जस्ट 2 कुर्सी छोड़ के अजिंक्य रहाणे साहब बैठे हुए हैं सामने, उमेश भाई बॉलिंग कर रहे हैं, उमेश यादव बॉलिंग, सुनो उमेश यादव भाई बॉलिंग कर रहे हैं भाई सामने, कैमरा ऐसे। और सुनो उमेश यादव साहब सामने बॉलिंग कर रहे हैं, अरे क्या यार कमाल है यहाँ पे। हाँ हमारे कोच तो मतलब सब जानते ही हैं उनको, भाई कैमरा ऐसे ऐसे एकदम साइड से, वो जैसे चीटिंग नहीं करते एग्जाम में वैसे आप साइड से नहीं कर सकते हो। और तो ठीक है तो आप यार जितने क्या बताओ, मतलब आपको जितने लोग देखते जा रहे हैं, जितने लोग आपको जानते हैं ना, वो उनको पता है कि भाई कहाँ रेड एफएम से लेके फिर अभी तक जो आपकी जर्नी रही भाई, सच में भी एक दिन बात कर रहे थे आपके बारे में तो हमने बताया था। सो जैसे नेहा नेहा
निहार राजपाल, तो भाई आपके बारे में बहुत सच में भी तारीफ करते हैं, बिल्कुल झूठ नहीं कर रहे यार। और ये जो आपको देखते हैं ना केकेआर की वेरीफाइड प्रोफाइल पे आपके वीडियोस आना, फिर स्टार भाई उस दिन हमें से आप आ रहे हो, आप आ रहे हो भाई, हमने आपको वहां पे भी देखा हुआ है। लेकिन क्या ना कि जब आईपीएल का मैच चल रहा हो, हाँ आईपीएल में आप आ रहे हो यार, वीवो प्रो कबड्डी में तो आपको देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब आईपीएल में देखा मैंने कहा यार भाई आ रहे हैं यार टीवी पे, मैंने कहा वाह यार। भाई बताओ तुम्हारा उधर कैसा चल रहा है शो, वो सब बढ़िया चल रहा है? तुमने अपनी कोई अपना कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी लगाई कि नहीं लगाई तुमने कुछ? भाई लेकिन किया है ना आप, तो 2 साल से काम करते करते कहां तो निकल गए हो आप। देखो ये बात अलग है, मैं इंडिया के सबसे बेस्ट रेडियो नेटवर्क में था। सॉरी फिर से आपकी आवाज कट गई भाई। ना ब्रो ये बात अलग है, मैं इंडिया के सबसे बेस्ट रेडियो नेटवर्क में था वो अनडाउटेडली भाई। अबे तुम ऐसा मत बोलो, तुम दूसरी जगह काम करते हो। मैं मतलब वो फ्लो में निकल गया है, जितने भी माय एमएम के लोग यहाँ पे सुन रहे हैं भाई हमारे। ओ भाई साहब रेजिग्नेशन तैयार रहेगा अभी। अरे यार भाई सुनिए, देखिए दैनिक भास्कर इज द लीडिंग एंड पायनियर ग्रुप ऑफ इन इंडिया। भैया देखो तुम पहली बार में सच बोल दिया। भाई आपसे बात करने में फ्लो फ्लो में आ जाता है यार, आपसे व्हाट्सएप कॉल बेटर है। गुरु तुम पहली बार में सच बोल, मैंने कुछ नहीं बोला, ये कट 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 बातचीत। ये वीडियो अगर तुम्हारे भगवान न करे किसी बॉस ने सीनियर वीनियर ने किसी ने भी अगर अभी देख लिया नाम नहीं ले रहे, हम रहने दो अभी। बात नहीं, तुम एक्चुअली क्या, तुम सिर्फ दिल से जीते ही नहीं हो, तुम दिल से बोलते भी हो ना, क्योंकि तुम्हारा जियो दिल से है। अब हो गया, चलो आज अच्छा सुन। मैं मेरे ब्रांड से भाई लेकिन मैं मेरे ब्रांड से बहुत लॉयल हूँ। मेरा ब्रांड मुझे हमेशा यही सिखाता आया है, कुणाल सलूजा बजाते रहो। भाई आपने ना ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में डाल दिया ना, हमें ऐसा डर लग रहा है कल सुबह मेल ना आ जाए विकास झा काइंडली। भैया मैंने कुछ नहीं बोला, तुमने खुद एक्सेप्ट किया, हमने ये कहा दैट इट इज वन ऑफ द लीडिंग रेडियो स्टेशन इन इंडिया। तुमने बोला दैट अनडाउटेड। अबे यार मेरी नौकरी गई चालू होने से पहले। कोई बात नहीं बेटा, जियो दिल से। जियो दिल से हम बजाते रहेंगे। नहीं भाई आजकल ये अब जियो दिल से है, लेकिन ऑफ कोर्स अब चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं भाई, अच्छा बात करते ना भाई। तुमको पता है अरे यार ये सब मजाक मजाक वाली बात है। तुमको पता है एक बार मैंने क्या किया था, एक बार मैं रेड एफएम के ऑफिस में बैठा हुआ था तो मैंने जान के पीयूषा मैम जो हमारी हेड है ना, मैम आई है, संजना मैम आई है, अरे माय वाइफ इज आल्सो देयर, हाय संजू। तो एक बार ना मैं वो ऑफिस में बैठा हुआ था और जान के पीयूषा मैम के पास में जाके मैं लिंक्स की प्रैक्टिस कर रहा था, नया नया जॉब जान के अंदर चुल चुल मैं कर रहा हूँ। सुपर हिट्स 92.7 माय एफएम हिट स्पॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओह पूरा सुनो, पूरा था सुपर हिट्स 92.7 माय एफएम इट्स हॉट, चारों रेडियो स्टेशन को जोड़ के बोला था भाई। ये ज्यादा ये नहीं यार, ये तो
भाई एक बार पता लिंक अभी क्रिएट हो गई थी एक दिन सच में भी, तो मुंह से गलती से निकल गया 93.5 और तुम फिर मैंने लाइव पे बोल रहे हो भाई मतलब वो गलतियां हर किसी से होती हैं। कोई बात नहीं, होता है होता है होता है होता है होता है, जैसे जैसे लोग अनडाउटेडली जैसे लोग होता है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट ही भाई बोलते हैं कि जैसे लोग बाय डिफॉल्ट मैं अपनी बात ही बोल देते हैं ना लोग, जैसे कि यार जैसे अब इंडियन एक्टर्स का नाम आता है ना, फॉर एग्जाम्पल दुनिया में कहीं पे भी वर्ल्ड लेवल पे इंडियन एक्टर्स का नाम आता है तो बाय डिफॉल्ट शाहरुख खान, सलमान खान, इन सब का नाम आता ही आता है, अक्षय कुमार, इन सब का नाम, वैसे ही बेस्ट रेडियो स्टेशन का नाम जब लेते हो तो रेड एफएम का नाम आ ही जाता है, मुझे तो कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। क्या बात कर रहे थे भाई, कैसा चल रहा है और बताइए जमीन कैसी चल रही है आपकी तुम मुझे बाय बोलना चाहते हो कि तुम्हें अभी और थोड़ा सुनना है? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, अब तो मैं व्हाट्सएप पे बात करूंगा आपसे भाई नहीं अब तो कुछ, अगर तुम्हें मुझसे और कुछ बोलना है तो बता दो, आई डोंट माइंड, मेरे पास अभी गली देख के 10 मिनट और टाइम है। I said that you worked in one of the leading radio station in India. No, Undoubtedly, not one of the leading station, the leading station. मैं अभी कुछ बात ही नहीं कर रहा इस बारे में। And let me be very clear, with maximum number of radio stations, like in कोई बात maximum नहीं, number but of cities in India. कोई बात नहीं, but ये जो है, ये the pioneer in India group पूरे का पूरा। भाई इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। छोड़ो तुम्हारी नौकरी है, मेरे को अब रेड एफएम कुछ नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारी नौकरी है रहने दो, आप वरना पहुंच तुम्हें गए हो पता है ना। मेरे खून में उन्होंने बजाते रहो डाल दिया, मत छेड़ो तुम उसे। भाई कुछ बोल ही नहीं रहा मैं, आप आईपीएल करने गए, मैं तो उसी बारे अच्छा में बात लेकिन कर रहा था। तुम्हारा ओपनिंग लिंक कैसा रहता है भाई, क्या बोलते हो तुम, ओपन कैसे करते हो? यार अरे रिंकू भाई ऐसे एक दोस्त मिल गया पुराना रेडियो वाला, तो उसके साथ इंस्टा लाइव चल रही है, क्रिकेटर रिंकू भाई, ओ ओ तो वही पूछ भाई रहे हैं क्या कर रहे हो, तो मैंने वही बताया। मैं मतलब आप किस एस्पेक्ट में पूछना चाह रहे हो भाई, मतलब पहली ओपनिंग नहीं लिंक जैसे के बारे तुम, में। हाँ ओपन कैसे करते हो शो, तुम्हारा कोई स्टाइल है अलग अपना? है भाई एक्चुअली एक बना है, निमोनिक बना हुआ है, अब वो अभी हम आपको सुना तो अगेन आई एम बिहेविंग लाइक आई एम सो भाई प्राउड हम ऑफ कुछ नहीं माय लुक। बोल रहे भाई, अपन इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, हो गया ना अभी ये चल रहा है ना। चलो ठीक है कोई नहीं, बट भाई मैं तो जेन्युइनली बोल रहा हूँ तेरे को, ऐसे टीवी पे देखते थे मेरे को लगता नहीं था कभी यहाँ पे आ गए, ऐसे ऐसे क्रिकेटर लोग से चिल मारेंगे हम लोग, भाई सच में आपको जैसे देख रहे हैं ना यार। तुम यकीन नहीं मानोगे लास्ट नाइट व्हाट हैपेंड। तो कल रात को हम लोगों का एक डिनर था, बिकॉज हम एमआई से जीते थे, तो जी उसकी पार्टी छह हाँ को नहीं थी क्योंकि हम पुणे से आ रहे थे, बहुत लेट हो गया था, सुबह 4 बज गए थे आते आते, तो कल रात को हमारा एक डिनर था, जी तो भाई कल रात को मैं, अमन खान जो प्लेयर है, अच्छा अमन खान इज द कजिन ऑफ माई कजिन, ये मुझे यहाँ आके पता चला। ओके फिर अगली बार आप खेलोगे मतलब आईपीएल में। अरे मैं, अमन, हमारे कैप्टन श्रेयस अय्यर और हम तीन लोगों, हम लोग रात भर गेम खेल रहे थे पूल पे, और पूल पे हम पूल नहीं खेल रहे कुछ और खेल रहे, सुबह मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे हमारी बकैती खत्म हुई और हम लोग कमरे में गए सोने। मैं वायर, मतलब मैं केकेआर के कैप्टन का आपको ऐसे वायर नहीं लग रहा कहा, मैं मैं टीवी पे मैं देखता था मैं कभी, आज देखो मैं इनके बीच में खड़ा हूँ यार। और इंडिया इंडिया टीम का प्लेयर, मतलब बहुत बढ़िया यार, ऑफ कोर्स थैंक्स टू केकेआर एंड स्टार स्पोर्ट्स। भाई शाहरुख खान से कब मिलने वाले हो आप, तो वो उसका इतना इंतजार चल रहा है हाँ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं अभी मैंने फोन लगाया, आई रहे भाई आई आप रहे आई ऑफ रहे, कोर्स मिलोगे यार, आप किससे नहीं मिले हो, अक्षय कुमार जो आपके आइडल है आप उनसे मिले हो, शाहरुख खान से भी ऑफ कोर्स और मिलोगे यार। हाँ ना बस वो आ ही रहे, मैंने सर को बोला था, मतलब सर यार व्हाट इज दिस सर, आप मैं घर वेट मजाक कर रहा ले हूँ रहे सर हो, आपका आप सर। खुद ही बोलते हो कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था टीवी में जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, सडनली फिर आप वहां पे बीचों बीच खड़े हो, स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पे आप आ रहे हो, आईपीएल में आप आ रहे हो, केकेआर टीम के साथ आप जा रहे हो, अब क्या अरे वो क्या ये एक्चुअली तो। हम लोग बायो बबल में है ना भाई, तो ये एक्चुअली देख यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस भी करने आते हैं ना जहाँ पे हम स्टेडियम में, तो प्रैक्टिस के लिए भी ना एक पूरा बबल सिक्योर किया जाता है, दैट नो आउटसाइड पर्सन इज अलाउड इन दिस बबल, हाँ ओ तो सो दैट वी डोंट ब्रीच द बबल, तो ऐसा यहाँ प्रैक्टिस के लिए भी बबल बनाया जाता है, सो इतना स्ट्रिक्टनेस है।
क्या आप कैमरा ऐसा अच्छा गुड स्टफ ब्रो। क्या चाहिए आपको यार, अब क्या लोगे भाई आप? कुछ नहीं यार भाई, अभी तो चल रहा है अपना टचवुड भगवान की दया से। एक्चुअली वो तो ना, एक होता है स्ट्रगल करना, ठीक है, एक होता है मजे में स्ट्रगल करना। ये आपका मजे में तो पहली बात तो स्ट्रगल है। मैंने नहीं नहीं मैंने जो मजे में स्ट्रगल किया ना, उसके बाद हाँ मैं मजे कर रहा हूँ। ये आप बोल सकते हो। नहीं लेट्स फिनिश दिस कॉन्वर्सेशन ऑन दिस नोट, हाँ ये बात ठीक यही है? अपन कर देते भाई। वो ऐसा वाला हो गया, जो सुन लिया तो सुन लिया, बस तुमने बात तुमने खत्म। जो दिल से बोलना था वो बोल दिया था तुमने उस समय। आइंदा से रेडियो को लेकर मैं कोई बात नहीं उठाऊंगा, ये मैं लिख के मैं यही रख लेता हूँ भाई, कभी बात नहीं होगी। ओ यार नहीं, तुम्हारे वहां भी बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं। मैं बता, तुम्हारे वो MyFM में ना एक एक सर होते थे, उनको सर का नाम नहीं आता, बट ही इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट, ही इज मतलब कॉल्ड एज रेडियो में बहुत नाम है उनका, विप्लव गुप्ते सर है, मैं शायद। विप्लवी गुप्ते सर। हाँ। तो मैं हाँ उनसे कभी मिलने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने से नाम बहुत सुना, वो भी MyFM से ही थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी MyFM से ही थे ना, विप्लव सर। सर, हाँ, तो ऐसे मैं कभी उनसे मिलने को तो नहीं मिला, क्योंकि मेरे टाइम तक वो इंदौर से निकल गए थे या फिर कहीं और थे, बट हाँ, चंगेज इन दिल्ली। वन ऑफ द मोस्ट। और पर उनकी जो वाइफ है कंगना मैम, तो ओके, नाइस। हाँ, बट ठीक है, अगेन फर्स्ट इज रेड एफएम, संजना मैम कह रही, सेकंड ओ माय गॉड, बिग फैन सर, बिग फैन। कुणाल अरे सलूजा का वो मेरा फैन नहीं है, वो मेरी एसी है। फैन नहीं, एसी है। ओ चल बाय यार ब्रो, चलिए, बाय। ओके, बाय 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 सो भाई। ऑलवेज रिमेम्बर रेड एफएम नंबर वन। आप भी भाई, मैं अभी कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, अपन इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं यार? अरे बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट रेड एफएम इज नंबर वन, गलत। रेड एफएम इज नंबर वन, एंड यू हैव एक्सेप्टेड इट ऑन नेशनल मैंने कुछ इंस्टाग्राम, बोला, एक्चुअली इंटरनेशनल इंस्टाग्राम। मैंने यही बोला कि हाँ, इट कम्स ऑल्सो इन तुमने नहीं वन ऑफ बोला, द तुमने लीडिंग एक्सक्यूज मी स्टेशन। हेलो, तुमने बोला था, तुमने बोला अनडाउटेडली, फिर मैंने बोला अबे तू मत बोल। अनडाउटेडली इट इज ऑल्सो, आई सेड अनडाउटेडली इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग, बट माई नो एफ नो, फाइंड। इट इज ठीक है भाई, मैक्सिमम अब नंबर ऑफ सिटीज रेड एफएम। ठीक है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच उस पूरे ग्रुप का माय फैमिली। तो ग्रुप ओके, ग्रुप की बात चलो कर चलो चलो चलो, तुम चलो जहां तुम खुश रह सको, जहां रहे तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल जाए। मैं। अच्छा अरे वैसे एक भाई, बात, अच्छा एक मेरे को एक बात बता ना, तुम्हारे पास गाड़ी है क्या उधर? हाँ हाँ, तुम रेडियो सुनते हो गाड़ी में? क्या भाई? गाड़ी में रेडियो सुनते हो? हाँ हाँ, जब पहले जब रेडियो में काम नहीं करते थे तब भी रेडियो सुनते थे गाड़ी में? भाई, पहले हम सागर से बिलोंग करते थे ना, इंदौर से नहीं बिलोंग करते थे, लेकिन जब नहीं, इंदौर में आए रेडियो तो हाँ। सुनते थे ना, रेडियो।
मेरे को सुना है क्या कभी रेडियो पे भाई 2013 की आप बात करो, जब तो हमारे पास वो नहीं था। संजना मैं पूछ रही थी, तुम तो जाने वाले थे ना। मैम थैंक यू बचाने के लिए। अरे लेकिन बता दो तो, तुमने मेरे को रेडियो पे सुना है क्या? नहीं भाई उस टाइम पे हमने आपको यार मोबाइल पे सुना था, वो जो आता नहीं था टाइप्स। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं रेड एफएम में काम करता था ना, तुम बोले मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ तो मुझे लगा रेड एफएम बहुत सुनते हो। चलो कोई नहीं, ऑन भाई संजना मैम आप, अरे यार ए भगवान, ये मैंने 94.3 माय एफएम दिल से कहा था। ओ भाई मारो मुझे, मारो, मैं गलत फंस गया आज। चलो अजय एक बार टेबल पे ऐसे ऐसे करो, टेबल पे ऐसे ऐसे करो, टेबल पे भाई इसके बाद हम समझ गए। अरे करो तो एक बार टेबल पे ऐसे, अरे एक बार तो, अच्छा ऐसे करो, ऐसे मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा जियो दिल से। नहीं अच्छा ऐसे करो, कैसे ऐसे करो जैसे कर रहे थे, करो ऐसे। नहीं करना ना भाई वो, हम समझ गए आपकी बात। अरे एक बार तो करो यार, करो एक बार ऐसे, चलो बजाते रहो। बजाते रहो। आज के बाद से मैं कभी लाइफ में तो बात नहीं करूंगा इन सब के बारे में भाई। चलो मैं लास्ट एकदम मैं तुमको रहाने से अपनी शक्ल दिखा देता हूँ, फिर मैं काय बोल रहा हूँ, ठीक है? ये देखो गिफ्ट होगा भाई। यार हेलो बोलना यार, चलो बाय 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 भाई, थैंक यू यार। ओ भाई साहब, लड़का इजीलिए इज वन ऑफ माय फेवरेट यार, इजीलिए सच में भी कुणाल भाई, मतलब मतलब रेडियो स्टेशन की अभी अपन बात हटा देते हैं, लेकिन ऐसे एंटरटेनर है ये, कहीं पे भी दिख जाए भाई, ये कहीं भी किसी सिचुएशन में रहे ये एंटरटेन कर सकते हैं यार। कौन कौन है यार? अनेबल टू ज्वाइन। हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जितने ज्यादा लोग अभी हट चुके हैं बेहतर है यार। खुशी सलूजा, ये पक्का ही उन्हीं की फैमिली से होंगी। संजना मैम अभी भी है, संजना मैम आई मस्ट से कुणाल सर ने यार प्लीज उनको बोलना ना थोड़ा सा, मैं तो उनका शागिर्द हूँ तो कम से कम मुझे तो छोड़ दे यार, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं वो, सच में बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं यार, ही सो गुड हर चीज में यार। चलो भाई मैं भी पटकता हूँ इतनी बातों के बाद, बाय बाय टाटा। कौन है भाई? राजकुमार छावड़ा, प्लीज ज्वाइन। तो भाई मेरे को घर भी जाने का है यार, टाटा, थैंक यू यार।